अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन बनानी पड़ रही है। कहता है कि शाम को फेक बोलो ताकि डक्की को कोई फेक ना बोले। इतना बेवकूफ और डफर इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखा। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। उसके बाद इसने शामिर को इस तरह के मैसेजेस करके मुझे डराना शुरू कर दिया कि इसको अपनी फैमिली तो प्यारी होगी। वेदर यू वर्क सेट लम्स और कॉम सेट, लाइफ इज फुल ऑफ हाउसेज ऑन सेल। तुम लोगों को मैं इसका मतलब बताता हूँ। मेरे फादर असल में कॉम सेट में प्रोफेसर हैं और हमने रिसेंटली घर भी अपना सेल पे लगाया हुआ था और घर के बाहर ही फॉर सेल लिखा हुआ था। और ये शाम इस तरह के मैसेजेस करके डराना चाह रहा है कि मुझे इसकी फैमिली की डिटेल का पता सा। मुझे भी सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई, मुझे भी चार बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन वो सबको पता है कि झूठ बोल रहा है। To celebrate his conversation with his crush, we're gonna go and have. हँसता है तू? बेशरम, खोते डाला है? तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, मुँहे। टकी भाई एंड शाम इदरीस वंस अगेन। मार्केट के अंदर एक नया ड्रामा चल रहा है फिर से यूट्यूब के मार्केट के अंदर। बहुत लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं और मुझे काफ़ी देर से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप इस बारे में भी कोई ओपिनियन दें। डेफिनेटली मुझे ओपिनियन देना चाहिए क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं और मैं अपनी कम्युनिटी पर नज़र रखता हूं कि मेरी कम्युनिटी के अंदर क्या चल रहा है। और मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों के साथ मैं फैक्ट्स शेयर करूं। मैं आपको जो आज की वीडियो के अंदर फैक्ट्स बताऊंगा, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप फलां एक बंदे को जाकर हेट दें। मैं दोनों साइड्स की स्टोरी रखता हूं। इससे पहले भी जो इशू हुआ था मैंने दोनों चीज़ों को आपके सामने रखा था, दोनों साइड्स की फैक्ट्स को रखा था। जो चीज़ें गलत थी डकी भाई के अंदर और जो चीज़ें गलत थी शाम इदरीस के अंदर, मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रखी थी। और मैंने कहा था कि आप मेंटली तौर पर खुद सोचें, फैसला करें कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन मेकिंग ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले सवाल करूँगा कि कोई शख्स अगर आपकी फैमिली को थ्रेट करता है, आपको थ्रेट करता है, आपको धमकाने की कोशिश करता है, सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आपका रिएक्शन क्या होगा? या तो आप बिल्कुल डर जाएंगे या फिर आप बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे। बहुत ही लो हरकत की गई है शाम इदरीस की तरफ से और बहुत ही घटिया हरकत की गई है कि डकी भाई को धमकाने की कोशिश की गई है। उसकी फैमिली के साथ मैसेजेस पर, उसको कॉल्स पर साइबर क्राइम की धमकी देने के बाद उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इसको करने के बाद वो साबित क्या करना चाहता है? इस सब चीज़ को करने के बाद शाम इदरीस, आई थिंक यू आर मेंटली सिक। और उसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ इस बात को साबित करने के लिए। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि शावीर जाफरी के साथ आपकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, चलो ठीक है, एक शख्स गलत है उसके साथ आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई है। व्हाट अबाउट जैद अली? उसके साथ आपकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। आपके सारे पुराने फ्रेंड्स जो आपके साथ वीडियोस में आते थे, एक लड़की है जो आपके साथ एक वीडियोस में आती थी, उसके साथ आपका इतना बुरा केस बन चुका है, उसने आकर मीडिया पर बताया था। अब मुझे इस लड़की का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है लेकिन बहरहाल उसने आपके ऊपर केस किया था पुलिस में, बाकायदा आप पर एक FIR करवाई थी। वो एक पूरी स्टोरी उसने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पर और आजकल वो बिल्कुल आपकी वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स है जो आपकी हरकतों की वजह से खुश है और आपका साथ दे रहा हो? एक शख्स गलत हो सकता है, दो शख्स गलत हो सकते हैं, तीन शख्स गलत हो सकते हैं, सबके सब तो गलत नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये गलती है जिसकी वजह से सब लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि ठंडे दिमाग से बैठ के इसके बारे में सोचिए, अपनी ईगो सबसे पहले साइड पे रखें। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी आपको, मैंने यही समझाया था कि अपनी ईगो एक साइड पर रखें। गरूर करना, तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को सूट करता है, इंसानों को सूट नहीं करता। तकब्बुर वो शख्स कर सकता है जो परफेक्ट हो। इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान गलतियां करता है, इंसान कभी परफेक्ट नहीं है। इंसान बड़ा वही होता है जो अपनी गलती को मान लेता है। आपने बहुत लो हरकत की है। दोस्ती का मियार क्या होता है? दोस्ती का मियार ज़बरदस्ती नहीं होता। अगर आप किसी शख्स से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपकी मेंटली उसके साथ इस तरह की अटैचमेंट होनी चाहिए, आपका मेंटल लेवल उससे मैच होना चाहिए। चलो ठीक है, आप कोलैबोरेशन भी करना चाहते हैं तो कम से कम आप एक दूसरे में इंटरेस्टेड तो हों कोलैब करने में। एक शख्स आपसे नहीं मिलना चाहता, एक शख्स आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो दैट मीन्स आप उसे फोर्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर सेल्फिश। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ कोलैब कर रहा है या कुछ और इस तरह का इशू है। अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम होती, आप कोलैब करना चाहते, तो लास्ट टाइम भी जब ये इशू बना था आप उसके साथ कोलैब कर सकते थे, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि उसके सब्सक्राइबर उस वक्त बहुत कम थे।
और अब आपकी मैंने लेटेस्ट वीडियो देखी जिस पर तो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको वीडियोस को काफ़ी देखा क्योंकि डेफिनेटली मुझे अपना ओपिनियन देना है, तो मैं एक साइड की बात नहीं कर सकता, मुझे हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा हर एंगल से, जो लोग बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, मैंने सब चीज़ें चेक की हैं। आपने वीडियोज़ में घुमा फिरा के आप बात पैसों पर ले आते हैं, क्योंकि जब किसी शख्स के पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो फिर इन्हीं चीज़ों का सहारा लेता है, वो बातों को आए बाएँ शाएँ करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स के यू हैव नथिंग टू से, आपके पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, दैट्स वाई यू आर साइलेंट। अपने दोस्तों को भी आप टारगेट कर रहे हैं, अपने दोस्तों शाहवीर को भी और अपने दोस्तों ज़ैद अली को भी, खास तौर पर उनके करेक्टर्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरह के करेक्टर हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि वो पहले इस तरह की वीडियोज़ बनाता था गालियाँ देने वाली। अपने कज़न्स को आप आगे ला रहे हैं खास तौर पर उनको, कि आपको पता है कि आपको पब्लिक इस वक्त जो हेट दे रही है वो आपके लाइक और डिसलाइक हाइड करने की वजह से सबको पता चल चुका है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है किसी की। तो उसके अंदर भी आप घुमा फिरा कर पैसे के ऊपर बात ले आए हैं। जब इंसान के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो बस इसी तरह की हरकतें करता है, टॉपिक से हटकर बात करता है। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी ईगो, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, आपका घमंड ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ें कभी सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप माफ़ी मांग लेंगे नाम लेकर, तो आपकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शाम इधर से आई एम टॉकिंग अबाउट यू, और डकी भाई की तरफ भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा ओपिनियन इनके बारे में मैं देना चाहूँगा, इन भाई साहब के बारे में जो आजकल मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। दोस्ती का मियार ये होता है कि आपकी मैंटेलिटी उस शख्स के साथ मैच होती है जिसके साथ आप आजकल कोलैब कर रहे हैं, उसके बारे में भी लोग सभी लोग जानते हैं कि उसका मियार क्या है कंटेंट का और उसका मेंटली लेवल क्या है। तो यही आपका भी मियार है, क्योंकि दोस्ती हमेशा मेंटल लेवल से ही होती है, जिस शख्स की सोच जैसी होती है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। कहते हैं कि इंसान को पहचानना तो उसके दोस्तों को देख लो, आपको पता लग जाएगा उस शख्स की नेचर क्या है। तो मेरा मकसद किसी को हेट देना नहीं है, मेरा मकसद अपना ओपिनियन है। तो अगर आप दोस्ती करना चाहते थे तो दोस्ती का मियार ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती उसको थ्रेट करें। दैट मीन्स आपने साबित कर दिया कि आप पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, अपनी रेपुटेशन ख़त्म कर, अपनी रेपुटेशन को जो ख़राब हो चुकी है उसको रिकवर करने के लिए आए हैं। दैट मीन्स यू आर सेल्फिश, और ये सबको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि जैसे शाम इदरीस लिखो, सबसे पहले ट्रेंडिंग पर जो वीडियो आती है, सबसे ऊपर जो वीडियो आती है वो यही आती है कि सीक्रेट, और जो डकी भाई ने जो लास्ट टाइम वो वीडियो बनाई थी कि यू बोथ आर फ्रॉड, जो कि सही है किसी हद तक। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये सब कुछ ड्रामा इसी वजह से बन रहा है क्योंकि आप अपनी अना को साइड पर करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अपने कज़न्स को आगे लेकर आ रहे हैं, मैंने वो वीडियो भी देखी है जिसके अंदर आप अपने कज़न के ज़रिए ये कहलवा रहे हैं कि ये पैसों के लिए डकी भाई दोबारा से ये कर रहा है, विच इज़ सॉर्ट आउट ट्रू किसी हद तक, और वो कैसे ट्रू है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि वो फेम लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो जनाब ये उस शख्स के बारे में आप कह रहे हैं जिसके 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसको उसकी हर वीडियो ट्रेंडिंग पर होती है, उसको आप जैसे शख्स पर वीडियो बनाने के बाद, कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाने के बाद फेम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि अब उसे ज़रूरत नहीं है आप पर वीडियो बनाने की। सो आप जितनी इस तरह की हरकतें करते जाएंगे, अपने लिए आप मुश्किल पैदा करेंगे, अपने लिए आप प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे, और कुछ भी नहीं होगा, और ये ड्रामा इसी तरह से चलता रहेगा। मैंने देखा कि बहुत लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई विश कि यह ड्रामा सॉर्ट आउट हो जाए किसी तरह से। अब आते हैं डकी भाई की तरफ। आप अगर डकी भाई की पुरानी वीडियोस देखें साजिद रहमान की, तो आपको आइडिया होगा कि मिस्टर अजीब वाले वाक़े के बाद इन्होंने कोई भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं की जिसमें पता चले कि कोई क्रिएटिव वीडियो जो वो पहले बनाया करते थे वो बना रहे हैं। तो जाहिर है जब चैनल डाउन जा रहा तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह का कंट्रोवर्सी बनाना पड़ता है। इस बारे में जब भी वो बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक हाइप क्रिएट होती है, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहते हैं। शाम इदरीस के चैनल पर मैंने वीडियो देखी जिसमें वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है अपने कज़न के थ्रू कि डकी भाई इस चीज़ को, इस ड्रामा को दोबारा से इसीलिए क्रिएट कर रहा है कि वो दोबारा से इस हाइप को क्रिएट करे और इसके ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर सके, यानी कि एड्स लगा सके एंड फलां फलां। लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि जो उसने थ्रेट किया और जो उसने इल्ज़ाम लगाए, इस चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन किसी वीडियो के अंदर नहीं है। तो आप खुद सोचें, दैट मीन्स कि दाल में कुछ तो काला है। जो बंदा सच्चा होता है वो सबूत के साथ बात करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। जो वो वीडियो शाम इदरीस बना रहा है उनके अंदर कोई इस तरह का सबूत नहीं है, कोई इस चीज़ को डिफेंड करने की, काउंटर करने की कोशिश नहीं की कि नहीं मैंने ऐसे मैसेजेस नहीं किए या मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। दैट मीन्स कि आप कसूरवार हो। शाम इदरीस को अपने दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जब एक पब्लिक फिगर होती है, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल मोमेंट्स, अपनी हर चीज़ पब्लिक में शेयर करते हो, तो पब्लिक को पूरा हक है आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का, आपके ऊपर बात करने का,
तब आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो, आपके ऊपर कोई भी शख्स क्रिटिसाइज कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है आपके साथ। सबसे ज़्यादा लोग आपको नापसंद सबसे ज़्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उनके ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं देते, आप उनकी बात सुनते नहीं हो कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपको किस चीज़ से रोकना चाहते हैं। अपने कीमती राय जो देते हैं आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट बनाते हैं जो आपको ठीक लगता है। जो लोग आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको सजेशन देते हैं उसको आपको ज़्यादा इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, उससे आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसे एक हेट समझकर उसके ख़िलाफ़ आपको इस तरह से नफ़रत अंगेज पैगाम देने चाहिए और नफ़रत पैदा करनी चाहिए उसके खिलाफ। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये हौसला नहीं आएगा आप एक परफेक्ट इंसान कभी भी नहीं बन सकते। परफेक्ट इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है और लोगों से अपनी गलतियों से सीखता है, सबसे बड़ी बात खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप पूरी एक सिचुएशन मैंने रखी थी और मैंने कहा था कि किसी को हेड ना दें और किसी को गलत ना कहें, लेकिन दिस टाइम यू क्रॉस द लाइन शाम इदरीस, आपने उनकी फैमिली को थ्रेट किया है, आपकी भी फैमिली है। अगर कोई इसके बारे में इस तरह के मैसेजेस करे, कोई इस तरह से उनको थ्रेट करे, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? और फाइनली मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि डक्की भाई ने अगर जो भी बातें की हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात ना होती तो उसकी तरफ से रिस्पांस आना चाहिए था शाम इदरीस की तरफ से, जो कि नहीं आया। सबसे फाइनल में आखिरी बात कि प्लीज़ डू नॉट गिव हेट टू द शाम इदरीस, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छे दिल का इंसान है, वो एक फैमिली मैन है, उसका एक अपना एक सेटअप है पूरा, उसका अपनी एक पहचान है। तो इस वीडियो के बाद प्लीज़ उसे हेट ना दें। हाँ, गलतियाँ हम सब इंसान करते हैं, मुझसे भी गलती होती है, आपने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की होंगी। इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, उसे एक नया चांस देना चाहिए। अगर वो खुद को बदलने की कोशिश करता है, इस मैटर को सॉर्ट आउट करता है, इस झगड़े को ख़त्म करता है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बन रही है हालात ठीक होने की, बाकी लोगों को इससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए हेट फैलाने के लिए। क्योंकि बहुत लोग आएंगे यूट्यूब पर इसके खिलाफ़ वीडियोस बनाएंगे सिर्फ व्यूज़ और फेम के लिए, बहुत लोग इसके बारे में बात करेंगे, उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए नफ़रत फैलाने का। शाम इदरीस को भी हेट ना दें, कोशिश करें कि उसको अपनी गलती सुधारने का मौका दें और उसको माफ़ कर दें, और कोशिश करें कि उसे अपनी गलती का एहसास दिलवाएं कि उसने गलती की है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो खुद को इम्प्रूव कर सके। हम सब इंसान गलतियाँ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नफरत करनी चाहिए किसी शख्स को उसके बुरे करैक्टर की वजह से, उसकी अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि उसने कुछ अच्छा भी किया है कभी। ये एक मेरा सोशल मैसेज है, जब तक अपने अंदर से आप अना को, उसको घमंड को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। जो शख्स जो अल्लाह ताला की ज़ात आपको इज़्ज़त देने वाली है वो आपकी इज़्ज़त ले भी सकती है अगर आप घमंड करेंगे तो, यह आपके हाथ में नहीं होती, ये अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त और ज़िल्लत होती है। तो किसी को छोटा ना समझा करें, हर इंसान को इज़्ज़त दिया करें और सबसे बढ़कर उसकी रिस्पेक्ट किया करें, उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट किया करें। अगर आप उसे रिस्पेक्ट से बात करते तो शायद आज ये हालात ना होते जो आज आपको फेस करना पड़ रहे हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था इस टोटली सिचुएशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा, और फिर कहूँगा कि इस वीडियो के बाद किसी को हेड मत दीजिएगा प्लीज़। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि इस मैटर को ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उनको गलती का एहसास दिलवाएं और ये मामला सॉर्ट आउट करें। तो पीस से रहें, लोगों में प्यार बांटें नफ़रत बांटने की बजाय। नफ़रत तो पहले ही बहुत बिक रही है और नफ़रत बिकती भी सबसे ज़्यादा है। कोई हेट वीडियो बनाएगा वो सबसे ज़्यादा फेमस होगी। आई नो मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ और एक मैं एक नफ़रत अंगेज पैगाम नहीं दे रहा, तो शायद इसे ज़्यादा लोग फॉलो ना करें, लेकिन आई डोंट केयर। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को रैशनल थिंकिंग की तरफ लेके जाऊँ एक, ताकि आप लोग खुद जज कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। ये मेरा ओपिनियन है, पीस से रहने की कोशिश करें, प्यार से रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए और मज़ीद लोग इसके बारे में नफ़रत ना फैलाएं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।